अभी फर्स्ट का दूसरा पार्ट शुरू कर रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं दूसरा पार्ट में क्या क्या देखने को मिलता है। फोन टाइटनेस हो गया है, देखिए फ्री भी हो गया एकदम, देख रहे हैं। इधर ब्रेक का जो फ्लैट वगैरह कॉइल वगैरह लगेगा इधर, और ये पिनियन लगेगा, ये जो गियर बॉक्स का अंदर ये घुस जाता है। उधर एक जो हम दिखाया तो पिनियन दिख रहा था ना, उसी पिनियन के साथ ये लग के तो गियर बॉक्स को, गियर बॉक्स होते हुए जो चैन पुली का माने चैन वायर का जो ड्राम है उसको रोटेट करता है। ये आपका उनके लिए है, ठीक है, फर्स्ट क्लास फ्री हुआ है, ठीक है। अब इसको सब लगाने के बाद एक बार चालू करके दिखाएंगे। तो गियर वाला पार्ट को डाल देते हैं, देखिए इसका चाबी है ये, ठीक है, ये इसका चाबी है, ऐसे बैठ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ठोकना पड़ता है, उसका बाद ये चला जाएगा, चाबी ग्रुप है, ये देखिए ग्रुप का अंदर से इसको घुसा दिया जाएगा, ठीक है। घुसाने के बाद इसका पीछे से देखिए, पीछे से होल है ये एलंकी, उसी में डाल के इसको टाइट किया जाता है, ठीक है। और वो इधर थ्रेड बना हुआ है, ठीक है, अब इसको लगा लेते हैं। ये देखिए टोटली लगा दिया गया, इसको फुल टाइटनेस भी मार दिया है, ठीक है। ये जाएगा गियर के अंदर में, वो पिनियन को ये पिनियन घुमाएगा, गियर का जो ड्रम है उसको स्लोली घुमाएगा, ये ब्रेक वाला भी ठीक करेंगे, सेटिंग करेंगे। तो चलिए करते हैं। ब्रेक पैड डाल दिया, ये ब्रेक पैड है, ठीक है, ब्रेक पैड को डाल दिया। अभी ये कॉइल को डालेंगे ताकि ये इसको दब के रखता है, ठीक है, वो प्लेट, ये जो प्लेट है इसको दब के रखता है, जब इसमें करंट सप्लाई होता है तो ये प्लेट अंदर चला जाता है, ठीक है, मैग्नेट के जरिए। अब ये फ्री हो जाता है, ठीक है, अब उसको डाल देंगे तो ये जैसे रोटेट हो रहा है ये रोटेट नहीं कर पाएंगे, जब तक सप्लाई नहीं देंगे तब तक ये रोटेट नहीं होगा, इसको ब्रेक को सेट करना पड़ेगा, जो नॉट एडजस्ट बोल दिया है उसको सेटिंग करने के लिए। अब ये उसको भी डाल देते हैं कॉइल को। ये देखिए ब्रेक पार्ट को भी रेडी कर लिया है, ये जो देख रहा है ना ये मैनुअली ब्रेक को रिलीज करने के लिए, ठीक है, इसमें हम खींचेंगे नीचे तरफ तो ये प्लेट को थोड़ा ये दाब देगा, तब वो वाला को छोड़ देगा, ये वाला जो लटका हुआ रहेगा ना ये वाला, तो इसको फ्री कर देगा थोड़ा। तो मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा कि कैसे रिलीज करता है। ऐसे होता है थोड़ा, ये देखो ऐसे ऐसे रिलीज होता है, दिख रहा है, देखिए गैप कम हो गया, इसको छोड़ देंगे तो बढ़ जाएगा, ये देखिए, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लगा देते हैं, अभी इस जगह में ये लग जाएगा, ठीक है। दोस्तों फुल फिटिंग हो गया फाइनल, इसको भी लगा दिया था, लेकिन इसका जो सिस्टम है ब्रेक का जो कॉइल है इसका देखा, ये देखिए 190 वोल्ट डीसी, 190 वोल्ट डीसी ब्रेक खूब इमरजेंसी होता है, इसलिए ये डीसी वोल्टेज से ऑपरेटिंग होता है ये ब्रेक वाला, ठीक है, इसलिए
टू वायर निकला हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और इधर भी लिखा हुआ है ब्रेक में, मैं उसको एक बार इसको लगा रहेगा तो इसको रोटेट नहीं कर पाएंगे ना इसको, इसलिए अभी खोल दिया है। ये देखिए 76 वाट का है, ठीक है। और ये देखिए वोल्टेज डीसी 190, ठीक है। तो इसलिए हमारा इधर तो डीसी वोल्ट नहीं है, वो हाइस्ट का जो पैनल है उधर से निकलता है, तो इसलिए हम इसको अभी खोला है, एक बार खोल दिया। खोलने के इसलिए खोला कि इसको वो रहेगा तो इसको रोटेट नहीं होने देगा, कहीं ब्रेक प्लेट उसको पकड़ के रखता है, ठीक है। जब तक उसमें करंट नहीं पास कराता है तब तक वो छोड़ेगा नहीं। तो डीसी वोल्ट नहीं है, ये मोटर मेरा 415 वोल्ट का है, मैं दिखा देता हूँ। ये 415 वोल्ट मेरा थ्री फेज सप्लाई है इधर, कोई टेंशन नहीं है, थ्री फेज सिंगल फेज सब है। ये देखिए थ्री फेज का है, थ्री फेज का है, और ये किलोवाट है, ये देखिए किलोवाट है, 3.7 किलोवाट, 5 HP का है, इसका रेटेड करंट है 8 एम्पियर, ठीक है। छप्पन 415 वोल्टेज, रेंज 50 वॉल्ट, इसका 27 किलो वजन है और 1580 RPM का है, ठीक है, 1580 RPM है। तो इसको अभी एक बार हम लोग करंट दे के इसको रोटेट करेंगे। अभी थ्री फेज सप्लाई में ऑन कर रहा हूँ, थोड़ा झटका मारेगा, इसलिए मारेगा क्योंकि ये डाल्टा कनेक्शन है, ठीक है, इसका कनेक्शन कर दिया है, डाल्टा में है, तो एक झटका मारता है, काहे कि एक बैग इसका टॉर्क आ जाता है ना डाल्टा में, तो इसका वोल्टेज सप्लाई ऑन करते हैं हम, मोटर थोड़ा झटका मारेगा, देखिए ठीक है, कोई बॉडी करंट वगैरह कुछ नहीं है, सब कुछ टेस्ट कर लिए हम, फिर भी दिखा देते हैं, देखिए बॉडी में कोई कारण नहीं है, रोटर में भी कोई कारण नहीं है, ठीक है, ये ओके हो गया, ठीक है। ये ज़्यादा देर बिना ऑयल में नहीं चलाना चाहिए, इस पार्ट पूरा ऑयल में डूबा रहता है, ताकि गियर के साथ रहता है तो गियर ऑयल में ये डूबा रहता है, इधर ऑयल सील है, ऑयल सील कट जाएगा ज़्यादा चलाने से, जो आवाज़ कर रहा ना ची ची उसी का आवाज़ है। तो दोस्तों कैसे लगा, फर्स्ट क्लास हुआ, ओके बन गया, ठीक है। तो आप फर्स्ट में लगाएंगे, लगाने के बाद इसको फिर और एक बार हम दिखाएंगे, ठीक है। अभी चले जाएगा फर्स्ट में, उधर जाके लगा दिया जाएगा। दोस्तों कैसे अच्छा फिटिंग हुआ, थोड़ा कमेंट अवश्य कीजिए। तो हम लोग अभी मोटर लेके आ गया है ESP का टॉप में, ठीक है, अभी हाइस्ट में उठाएंगे, उठाने के बाद इसको फिटिंग करेंगे, फिर रनिंग करके दिखाएंगे, ठीक है। अभी मोटर को कोशिश से घीच लगा ऊपर, अभी गया है, फिर इसको रन करेंगे। तो चलिए इसको उठा लेते हैं फटाफट, मैं देखिए उठा रहा हूँ, ठीक है, हाल उठ रहा है, हैंडल बचा के,
तो हॉइस्ट का पास हम लोग चढ़ गया अभी, ये देखिए ठीक है, मोटर भी उठ गया है, अभी इस पोजीशन में करके इसको डाल देंगे ठीक है। तो चलिए थोड़ा डाल लेते हैं, चलिए उसमें का ब्रेक भी सेट नहीं हुआ है अभी, जिस सप्लाई देके इसको ब्रेक को भी सेट करेंगे। इधर ये है पैनल का अंदर में साइड, आइए ये ब्रेक का वायर मेरा अलग से आया था, ये देखिए ये थ्री फेज है, ये मोटर के लिए आया, और ये जो देख रहे हैं कनेक्टर ये 190 वोल्ट का है, इसमें क्या फ्यूल डाला है HBR तो भैया पैनल में देखेंगे, दिखाएंगे भी कि कहाँ से DC हो रहा है ठीक है। तो इसको हम लोग अभी फिटिंग कर लेते हैं फटाफट, लग गया है तो टाइटनेस चल रहा है, ताकि टोटली टाइट नहीं करेंगे तो लगाने से पहले जो गैस स्विच वगैरह था वो तो सब भी देखना है ठीक है। गैसकेट अगर गड़बड़ हो जाएगा तो उधर जो गियर ऑयल है इधर गिरना शुरू हो जाएगा, साफ फिट करके सेटिंग करना पड़ता है। अभी टाइटनेस करेगा, टाइटनेस करने के बाद इसको कनेक्शन दे देंगे, फिर देखते हैं चला के कनेक्शन करेंगे इसका। तो इसका पानी घुसा था, इसका देखिए पहले टर्मिनेशन इधर से इसका होल दिया था ये वाला ठीक है, हम लोग इसको नीचे कर दिया ताकि पानी ना घुसे, ये होल ऊपर का ऐसे करके कनेक्शन दिया हुआ था, इसलिए पानी पूरा घुस गया था, इधर से घुसा था। अब इसका टर्मिनल हम लोग उसको नीचे कर दिया है, इसका चैम्बर को, ताकि नीचे से केबल आएगा तो पानी उतना नहीं घुसेगा। तो कनेक्शन देंगे, अभी कनेक्शन कर दिया है, ये है ब्लू येलो और इधर R, मैंने RYP ठीक है, U1 V1 W1 में हुआ, तो देखिए RYP RTP दे दिया गया है अंदर में, RTP दे दिया है बॉडी R। अभी इसका ढक्कन लगा देते हैं, देखिए ब्रेक भी लग गया, इसका जॉइंट भी हो गया, टायर भी बांध दिया, डेसिंग भी हो गया। अभी इसको ढक्कन बंद करके मैं एक बार ऑपरेटिंग करके दिखाऊंगा। पहले फिटिंग हो चुका है, अभी सप्लाई भी दे दिया है, चार्ज भी कर दिया है, ये देखिए रिमोट को उठा लिया हम लोग ऊपर उस बटन को ठीक है। अभी देखिए ये आप बटन थोड़ा मारता हूँ, देख का पोजिशन देख लीजिए कैसे काम कर रहा है ठीक है, दब रहा है ना स्पेंडल को, रोटर स्पेंडल जो है ब्रेक प्लेट को, ठीक है अभी डाउन कर रहा हूँ, ब्रेक भी सेट यहाँ से होता है, ये जो एलन की नाट है इसको तो लगाने के लिए, और ये जो दिख रहा है बड़ा वाला नाट इसको सेटिंग करने के लिए ठीक है। इसको बराबर में एक गैप को मेंटेनेंस करना पड़ता है, ताकि जो नाच रहा है उतना गैप सब में देना चाहिए चारों तरफ से, यही है उसका मैग्नेट छोड़ दे रहा है, वो खींच ले रहा है तो इसको फ्री कर दे रहा है अंदर वाला ठीक है, ये अंदर वाला को फ्री कर रहा है। तो ये नाट, ये जो तीनों नाट है इधर, तो तीनों नाट को एडजस्टेबल करना पड़ता है बढ़िया से, ताकि इसमें अगर ब्रेक में पूरा टाइट रहेगा तो ये मोटर को चला देगा, इसलिए इसको ब्रेक पूरा टोटली छोड़ना चाहिए चालू होने का टाइम, पूरा टोटली छोड़ ओके। ठीक है, अभी इसको रिवर्स फॉरवर्ड करेंगे।
उधर ले जाके, उधर ले जाके थोड़ा हम लोग इसको डाउन करेंगे। अभी इसको रिवर्स फ्रॉड में चैन पुली उतरना पड़ेगा दादा, हम थोड़ा सा इधर लाता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग ऑलरेडी कर चुका हूँ, देखो चैन पुली को थोड़ा डाउन कर दिया है, आज थोड़ा बढ़िया से दिखा दूँगा। अभी जो डीसी करंट बोल रहा था 190 वोल्ट का, ये इधर से जा रहा है, ठीक है। ये जो ट्रांसफार्मर है वो ब्रेक के लिए, इसको डायरेक्ट ब्रिज बना के इधर पूरा टोटली डीसी बना के छोड़ रहा है। ये मैन थोड़ा समझ है, ये मैन एमसीबी है मेरा, ये कंट्रोल का कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। और ये मेरा डाउन कॉन्ट्रैक्टर है, और ये अप कॉन्ट्रैक्टर है, ये रिवर्स कॉन्ट्रैक्टर है, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टर है, ये ऑयलर है। अप डाउन का एक ठो दिया गया और एक ठो रिवर्स फॉरवर्ड में दिया गया, ठीक है। दो को ऑयलर ओवरलोड रिले दिया गया, बस यही सब सिस्टम है। थर्मोस्टाट भी है, देखिए हीटर भी है, गैस हीटर है, यही है इसका अंदर में सामान। और बहुत सारा टीवी टर्मिनेशन है बस। तो दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ा के इसको अप डाउन करके थोड़ा सा वीडियो मैं दिखा देता हूँ। रिवर्स में चला रहा हूँ मैं, ठीक है। ये रिवर्स बटन दब रहा हूँ, जा रहा है, चैन को देखते रहूँ, ठीक है। थोड़ा फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। अभी फॉरवर्ड वाला मार रहा हूँ, आ रहा है हमारा तरफ, ठीक है, हो गया। अभी डाउन थोड़ा अप करता हूँ चैन, ये को पुली को डाउन हो रहा है, ये अप हो रहा है, एकदम ओके हो गया है फर्स्ट का, ठीक है। अभी थोड़ा और डाउन कर देते हैं, ओके हो गया, ब्रेक भी लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए स्विच छोड़ते छोड़ते तुरंत छाड़ दे रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद इसका वो लास्ट पोजीशन में चला जाएगा, 3 टन से ज़्यादा ही थोड़ा लोड देके, 3 टन ही देख समझ लीजिए, 3 टन लोड देके उसको थोड़ा सा उठा के देखेगा, हाँ ब्रेक में रुक रहा है, नहीं रुक रहा है, अगर छोड़ रहा है तो फिर ब्रेक को थोड़ा और टाइट करना पड़ेगा, जहाँ अभी मैं देखाया ब्रेक को सेटिंग जहाँ से होता है, ठीक है। वो लोड टेस्ट हो गया तो बस आप माल उठा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्रेन बहुत अच्छा बन गया, जो एकदम बेकार हो गया था पानी घुस के। और इसका जो वीडियो है मैं 2 पार्ट में देना पड़ेगा, 1 पार्ट में होगा नहीं, बहुत लंबा हो गया, ताकि मोटर खोलने से एकदम हॉइस्ट से निकालने के लिए वहाँ से शुरू करके एकदम इसका रिपेयरिंग झिपियरिंग सब कुछ है, ठीक है, हीटिंग फिटिंग सब कुछ है, इसलिए लंबा हो जाएगा। तो थोड़ा 2 पार्ट में हम देंगे, ठीक है। हॉइस्ट पार्ट 1 करेंगे, हॉइस्ट पार्ट 2 करेंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो देख लीजिए। तो अभी एसपी का टॉप में उतर गया, ठीक है। अब तो हॉइस्ट में था हम लोग, ये देखिए मेरा साथ में जो था वो उतर रहा है धीरे धीरे, ठीक है। आराम से उतरिए, ये देखिए ये हॉइस्ट। अभी इधर से हम थोड़ा अप डाउन करके दिखाएंगे आपको। तो चलो थोड़ा जिसका प्रॉब्लम था उसी का वीडियो निकलता है। अभी ये देखिए इसको डाउन कर रहा है चैन पुली को, आ रहा है नीचे, थोड़ा आने ही दीजिए, आपको भी समझ में आएगा कि भाई आ गया। रिवर्स फॉरवर्ड भी चलता रहेगा साथ में, देखिए ये देखिए रिवर्स में भी ले रहा हूँ और डाउन भी कर रहा हूँ, ठीक है। एक साथ दोनों स्विच हम दाबे हैं, ये देखिए दोनों को दाबे हैं,
अभी चल भी रहा है और डाउन भी हो रहा है, थोड़ा सा ये गैप ओपनिंग जगह में लग जाता हूँ, ठीक है। अंगद भाई थोड़ा चैन फंसा होगा, नीचे आइए। वो कूपी का आपके तरफ कर रहा हूँ, थोड़ा चैन फंस रहा होगा, कर रहा हूँ, फॉरवर्ड में ला रहा हूँ।